फ्रेंड, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ गई है, जिसका आप लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे और वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है। तो आप लोग अभी से ध्यान दीजिए कि इलाहाबाद की वैकेंसी आ गई और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो भी हम आपको बताएँ। इलाहाबाद फार्म भरते समय जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि कितनी उम्र है, क्या क्या फार्म आ रहा है, तो इसके बारे में पूरी हम लोग आज विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है स्टैनो वाली, केवल स्टैनो की जो वैकेंसी है वो 1186 है, मतलब 1186 पद जो है वो स्टैनो की वैकेंसी के हैं और उसमें इंग्लिश के जो है 305, इंग्लिश की जो स्टैनो है उसमें 305 पद बता रहे हैं। अगर मान लीजिए घटा भी दिया जाए तो 881 पद जो है वो हिंदी की वैकेंसी के दिए हुए हैं। 881 पद काफ़ी पद माने जाते हैं स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसकी जो आयु जो सीमा है वो 18 से लेके 40 साल तक बताई गई है, मतलब कि 18 जो उम्र हो जाएगी 18 से लेके 40 तक का है। इम्पॉर्टेंट बात उसमें यह भी है कि इसमें स्नातक मांगा गया है, इसमें स्नातक मतलब क्या है, आपको ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए और तभी आप लोग फार्म भर पाएंगे, स्नातक कंप्लीट हो और ट्रिपल सी होना चाहिए, डोएक से जो डोएक है नीलेट है जो यूपी के लिए, तो वो उसमें ट्रिपल सी भी इसमें वैलिड करेगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तभी इस पर आप लोग फार्म भरेंगे। और फीस की जो संख्या है, फीस जो बताई गई है जनरल वालों के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है और SC ST के लिए 800 रुपये फीस दी गई है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे उसमें स्टैनो में क्या होता है कि जब आप पहले रिटर्न होगा, आप लोगों का पहले रिटर्न पास किया जाएगा, उसके बाद स्टैनो होगी, उसके बाद टाइपिंग भी होगी। तो सिलेबस वाला जो वीडियो है वो आपको बाद में बता देंगे, अभी केवल फार्म की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप स्टैनो पास कर लेंगे तो उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी पड़ेगी। इसमें 25 हिंदी की टाइपिंग मांगी गई है और 30 इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, 25 इंग्लिश की मांगी गई है और इंग्लिश की 30 टाइपिंग मांगी गई है। और इसी के साथ साथ वैकेंसी के साथ साथ इन लोगों ने टाइपिंग की भी वैकेंसी निकाली है, तो टाइपिंग की जो वैकेंसी दी हुई है करीबन इसमें दी हुई है 1021 पद की वैकेंसी दी है। इसमें भी आप लोगों को ट्रिपल सी चाहिए नीलेट वाले का और इसमें भी हिंदी की जो टाइपिंग है वो करीबन 25 की स्पीड चाहिए और इंग्लिश की जो टाइपिंग की स्पीड है वो 30 के आसपास इसमें चाहिए होगी, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो 18 से लेकर के 850 रुपये फीस है जनरल वालों की और SC ST वालों के लिए जो फीस है वो 650 रुपये फीस है। तो फार्म 30 तारीख से 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है, फार्म 30 अक्टूबर से चालू हो गया, चलिए फार्म 30 अक्टूबर से चालू हो चुका है और 13 नवंबर तक का इसका फार्म रहेगा। अगर किसी भी आदमी को इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप जिसको जो कुछ पूछना है वो हमारे इस नंबर से पूछ सकता है। और जैसे ही स्टैनो की वैकेंसी आती है या रिजल्ट आता है तो उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, तो वहाँ पर जुड़ जाएंगे, जितनी भी वैकेंसी आती है, रिजल्ट आता है, कुछ भी आता है तो सबसे पहले हम आपको उसमें अपडेट कर देते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि फार्म आ गया है तो फार्म आप लोग भरिएगा, 30 तारीख तक का नहीं है, शाम तक का आ जाएगा फार्म और 13 नवंबर तक रहेगा। बहुत समय में वैकेंसी आई है और काफ़ी तेज़ी से फार्म चले गई है, बहुत फास्ट प्रक्रिया कराता है इलाहाबाद। तो अगर जो रिटर्न के साथ साथ आप लोग टाइपिंग भी करिए और स्टैनो भी पढ़िए, क्योंकि हो सकता है 2 से 2.5 महीने बाद पेपर लगा ले और 1-1.5 महीने बाद उसे 4 से 5 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो कोशिश आप लोग करते रहिए कि साथ में इसके चलते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।